लाल मेरो है। गोपाल मेरो है, बोल दी समरिया सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, महुआ पाटन धाम की। आज की कथाएं आप लोग जो सुनने के लिए पधारे हैं, सभी बंधुओं से निवेदन करेंगे, जो बेटियां बहन माताएं बाबू लोग जो बहने खड़ी हैं आगे जगह है, कोई व्यवस्थापक है कि नहीं बगल में, ये जो हमारी बेटियां बहन खड़ी हैं, हम ही बताओ कर लिया। बाबू साहब कहले कि गुरु जी रौरा 9 दिन कथा कह ली हो, हम ही जान ही नहीं पौनी की राम राक्षस रहे कि रावण। मुनि हमारे लगे आव का ना बुझल, कहले बाबा राम राक्षस रहे कि रावण। हम कहनी ये बाबू न राम राक्षस रहे न रावण, राक्षस रनी हम कि तोरी ऐसा राक्षस की 9 दिन का था कहली। तो महुआ पाटन क्षेत्र के लोग के हमार प्रणाम बा, अगर हमार शब्द समझ में आ जाओ तब तो बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ में बात आती है तो आप मिल करके कहिएगा कि वीरेंद्र बाबा थोड़ा मुझे समझा दो। आप आई हम कथा में ले चली, यही जो कथा आज बा देखी, जौन 2 दिन कथा सुन ली हा, शंकर जी अपनी मेहरारू के कथा सुनावे लेके गई ले। शंकर जी की औरत के नाम का बतौले रही हा, प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई, अनाम सती सुंदर तनु पाई। पहला जन्म में सती नाम रहे, माई का दरबार है, माई का कथा है। शंकर जी कथा सुनावे ले गए लेकिन कथा नहीं सुनली, तक कथा नहीं सुनली तो ये जीवन खराब हो गए। आज जे जे अपनी जीवन में कथा ना सुन ले बा, ओकरी जीवन के स्थिति बता दे, ओकरा जीवन में कबो शांति ना मिली। अब दूसरा जन्म में का बनल बड़ी, ते ही कारण ही में गृह गृह जाई, आ जन्मी पार्वती तनु पाई। दूसरा जन्म में नाम का रखल गल बा, तनी बोलल ना करी, केहू बोलबो करी, काना धैल गए, पार्वती नाम बा। आज शंकर जी आसन लगा के बैठा तनी, अब पार्वती मैया गईली शंकर जी से, भोलेनाथ से कली कि नाथ आज रौरा से हमारे एक निवेदन बा, कुछ पूछल चाहतनी। शंकर जी कहले आज का तुहरा पूछला के प्रश्न कौन बात बा। पार्वती मैया कहली अगर और इच्छा होके तब तो पूछी, तई पूछे का जातड़ी तो उहे सत्संग के बाद पूछे जातड़ी, जवन कथा अगला जन्म में ना सुनली। जब जीवन बर्बाद हो जाला तो लोग भगवान के चक्कर में पड़ेला, सुख ए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, आ जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हमारे विद्यार्थी भैया सुख में मंदिर बनवाए हैं, सुख में जग कर रहे हैं, सुख में पूजा में शामिल हैं, तो दुख काहे लिए होगा बाबू। अरे व्यक्ति को तो दुख उसको होता है जो जीवन में कभी दान पुण्य किया हो, कभी पूजा पाठ न किया हो, कभी मंदिर मस्जिद न गया हो, कभी गुरुद्वारा न गया हो, कभी भगवान का नाम न लिया हो, उसको तो दुखी कभी भी रहना है। हम बतौले रही, अच्छा परसों बोला रही एगो बा, ए धरती पर केहू सुखी बा जेकरा बेटा नहीं बा, बेटा खातिर रोवाता कि हे भगवान 4 गो बेटा दे दो, आ जेके भगवान 4 गो बेटा दिला बड़ा वो बेटा पा के रोवाता, जेकरा घर नहीं बा घरे खातिर रोवाता, आ जेके भगवान घर दिले बड़ा वो घर पा के रोवाता, केहू बेलसाई वाला नहीं के। जेकरा खैले के ठेकान नहीं बा भोजन खातिर रोवाता, रुपया पैसा रही तो काजू बादाम ले आके खैती, जेकरा पैसा नहीं बा खैले खातिर रोवाता, आ जेके भगवान कई करोड़ रुपया दिले बने ओके डॉक्टर कहता चोकर की रोटी खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना, जिलेबी नहीं खाना, ब्लड प्रेशर शुगर चढ़ल बा। शरीर से कोई शांति में नहीं है महाराज, एक जगह शांति है,
दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन में खतरा ही खतरा है, लेकिन कभी भगवान के चक्कर में पड़ जाओ ना बड़ी सुंदर कथा आज की है। पार्वती मैया बैठल बड़ी, और एक निवेदन और कर दें, अगर निराकार को मानने वाले लोग यहां हैं, आपका भी बोध करने के लिए वीरेंद्र आज बैठे हैं। निराकार को मानने वाले लोग सुन लेंगे, साकार को मानने वाले लोग भी सुनेंगे कथा को। जय गुरुदेव के चेला अगर हैं तो आप भी सुनिएगा। ओम शांति को मानने वाले हैं, ओम शांति वाले भी लोग गौर करेंगे। शिव चर्चा वाले अगर हैं तो आप भी सुनिएगा। और राम कथा वाले अगर बैठे हैं तो राम कथा तो वीरेंद्र बोलने ही जा रहे हैं, बड़ा प्रेम से सुनने का समझने का प्रयास करना। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी बैठल बनी आसन लगा के, पार्वती मैया गली कली नाथ आज रौरा से हमारे को प्रश्न बा। शंकर जी कहले का तई, पार्वती मैया बोला तड़ी का कि मैं जाना तुम्हार गुनसीला, आ कहु सुनहू अब रघुपति लीला। लोग जो पंडाल में बैठे हैं थोड़ा चौपाई को समझ ले आओ। पार्वती मैया कहली कि मैं जाना तुम्हार गुणशीला, आ कहू सुनहू अब रघुपति लीला। शंकर जी कहले बतावा उहे कथा सुनावे के लेके तो के गईली कौने समय में, जहिया तू रहलू सती आ हमसे बियाह तोहर बाप कैले रहले। शंकर जी उहे कथवा सुनावे लेके गईले, सुनली जीवन खराब हो गए, अब फिर वही कथवा के फेर में परल बड़ी। तन हमरा और ताक पार्वती मैया कली की सरकार, वो जीवन तो हमार व्यर्थ हो गई, गवा देली। वो जीवन में ना बच्चा भैले, ना बेटा बेटी भैले, निसंतानीय बन के जवानी में मर गईली। केवल कथा का कारण है कि मेरा अपमान हुआ है। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, आ कहू सुनऊ अब रघुपति लीला। कथा जो सकल लोक हितकारी, असो पूछन चहे सैल कुमारी। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा कौन है महाराज? शंकर जी बड़ा गदगद भैले कहले देवी, यह कथा बड़ा शौक से ले गई सुनावे के ना सुनलू, आज तोहरी दिमाग में कथा कहां से आ गई? पार्वती मैया कली नाथ, ए सीताराम आप शांति से बैठोगे, बोलना नहीं है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चहे सैल कुमारी। शंकर जी कले ही बतावा आज कथा सुनल चाहतड़ू। पार्वती मैया कलीनाथ, आज हम राम कथा सुनब। मैं जाना तुम्हार गुलसीना, आ कहू सुनऊ अब रघुपति। भगवान राम की लीला बताए आप। शंकर जी कले बोला कथा कहां से सुनबू? पार्वती मैया कली एगो हमरा आश्चर्य बा, भगवान को आप निर्गुण ब्रह्म मानते हैं? शंकर जी कहले हाँ मानते तो हैं, आ तो निराकार है राम जी, आ तो हैं, आ तो ब्रह्म निराकार हैं। शंकर जी ने कहा है, तब पार्वती मैया कली अगर निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण होने की उनको क्या हो सकता है? किसी का बेटा क्यों बनते हैं, किसी का भाई क्यों बनते हैं, किसी का पुत्र बनकर के क्यों आते हैं, आखिर इस धरती पर सगुण क्यों आते हैं बनकर के? भगवान शंकर जी कहले जौन प्रश्न कैले बाड़ू हमरा आत्मा के, आज गदगद कर देहलू। शंकर जी तुरंत कहले का धन्य धन्य गिरिराज कुमारी।
पहले जे बैठल बा रोगी आहे के लेखा न बैठो, बीमारिया के लेखा न के बैठो, हेने ताकत में दू कैसा जीव हो जाता। तोरे बैठल या गावल बजाव देखा कजन गोड़ पसार ला पाक ला में केहू है तर बैठल बा। ए तरह कथा हम नहीं बोलब जी, बैठल बा जहां थपड़ी हम बजाओ तनी तहां बजावल कर, आ चौपाई अगर याद बा तो तनी गावलो कर। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, पार्वती मैया जब कथा के नाम ले ली तो पहले शंकर जी धन्यवाद दे ले। अच्छा बताइए गांव पर पहले धन्यवाद के पात्र के बा, ए गांव पर धन्यवाद के पात्र के बा, जे है जगी के पूजा के कथा के नाम ले ले बा ते बा, आ कि जे कगरी होटल बा ते बा, ना बोलो। अरे धन्यवाद के पात्र तो पूरा गांव में बा, हमरा तो ई बुझाता पूरा गांव 10-20-50 दे लही बा, हैं आ दीहल जरूरी भी बा। ध्यान दीजिएगा, शंकर जी धन्यवाद उनको देते हैं जो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। अपनी पार्वती के कहले कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आ तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे उ रघुपति कथा प्रसंगा, आ सकल लोक जग पावनी गंगा। एक तो गंगा वो है कि शंकर जी के जटा से भगीरथ के नाम से धरती पर आई, ये कथा रूपी गंगा कौन है? तो शंकर जी कहले कि यह कथवा तो पूछल चाहत जौन बतावे जाता नहीं हम। पार्वती मैया कली अगर निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान शंकर जी कहले कि देवी पार्वती कान खोल के पहले ध्यान से सुनो, पहले ही बतावा वही तरह सुनबू कि तन बदल जाइबू। कथवा जब 2-3 साल हो ना तो गौवा अपने आपे बदल जाई, वो हमार दीवाना ना वो वीरेंद्र बाबा के दीवाना बन जाई। कथा 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 रटाए लागी। एक बेर लैला के वियोग में मजनू पागल होके दौड़ल जात रहे, लैला लैला लैला, एगो मौलवी साहब चद्दर बिछा के नमाज पढ़त रहले, टप दे मजनू वही पर लात धो के कूद गए, लैला लैला। मौलाना ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है? मजनू ने कहा साहब क्यों मेरा दिमाग क्या खराब है? मौलाना ने कहा मैं खुदा का नमाज पढ़ रहा हूं, और लैला लैला करके तुम चद्दर पर लात रख के कूद गए। ध्यान से सुनिएगा, मजनू ने कहा साहब मैं तो लैला का दीवाना हूं कि मेरे नजर पर केवल लैला दिखाई दे रही है, मैं तो लैला का दीवाना हूं कि मेरे नजर पर लैला दिखाई दे रही है, आप किस खुदा के दीवाना हो कि आपको मजनू दिखाई दे रहा है? नहीं आई समझ में बात? नमाज पढ़ने वाले को मजनू दिखाई देगा, नमाज पढ़ने वाले को चद्दर दिखाई देगा, नमाज पढ़ने वाले को तो खुदा दिखाई देगा बाबू। और हकीकत यह है, हेहू में बहुत लोग पूजा करेला, हमारा पड़दरिया में चाचा है तर करेला, ओम जय जगदीश हरे, एक उड़ी चाय बनल, जय माता जी, हर हर महादेव, हर हर बबलुआ पढ़े गई, जय माता जी, गैया खैलस रे, हर 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 महादेव, जय माता जी, रसोई हो गल हो, पूजा करता कि मजाक करता, यो लोग वे करवा कराता हो दादा। पाटन के लोग भीतर बूझ ले कि कौन व्रत है कौन पूजा हम करता नहीं, परिक्रमा तो गांव भर कैल हो, लेकिन उहे परिक्रमा के 5 मिनट कैले हुई मन से, और उहे परिक्रमा के 24 घंटा घूमता एक को पैसा काम ना करी। परिक्रमा तो कांटा बना के करना होगा,
जिनकी रही भावना जैसी। अगर कांटा बनाकर के परिक्रमा करोगे, नियम का पालन करोगे, तो जीवन में कोई घटना होने वाली। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी कहें देवी पार्वती ध्यान से सुना, जल निराकार है। निराकारी लोग हमारे भैया लोग गौर करेंगे, जल निराकार है। बायो पढ़ाने वाले लोग भी गौर करेंगे और पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी भी गौर करेंगे। जल निराकार है और कटोरी साकार है। जल का कोई अपना आकार नहीं है, चाहे जिस पात्र में रखेंगे ना, गिलास में रखेंगे तो लंबा हो जाएगा, घड़े में रखेंगे तो गोल हो जाएगा, लेकिन जल का कोई अपना रूप नहीं है। जल का कोई कलर बता सकता है कि जल कैसा होता है? कोई नहीं बताएगा। जल निराकार है और कटोरी साकार है, ये बात हमारे शंकर भगवान माता पार्वती को बता रहे हैं। देवी गौर से सुनना, निराकार का मतलब कहां लगता है ध्यान से सुनो आप। और निराकारी लोग जितने हमारे भैया बैठे हैं आप भी समझ लें, जल निराकार है और कटोरी साकार है। निराकार जल को कटोरी में रख दें और कटोरी को फ्रिज में रख दें, कटोरी को फ्रिज में रख दें, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, केवल टेम्परेचर देना है, केवल टेम्परेचर देना है, तो जल क्या बन जाएगा? कोई नहीं बोलेगा, जल बर्फ बन जाएगा। अच्छा, आप जल को पकड़ना चाहो तो पकड़ पाओगे? जल को पकड़ना चाहे तो पकड़ लेंगे, और बर्फ को नहीं बोलेंगे, नहीं पकड़ पाओगे। शंकर जी ने कहा देवी पार्वती यही बात है, निराकार भगवान को कोई भक्त पकड़ नहीं पाएगा, और साकार तो उस रूप में भगवान आते हैं जिनको पकड़ा जा सकता है। अच्छा बताइए, ये बात जो हो रही है अच्छी है कि नहीं है? नहीं है। अभी ध्यान से सुनना, जैसे फोर व्हीलर गाड़ी आप लेकर जा रहे हो और गाड़ी का चक्का का हवा निकल जाए, और कहीं पूछे कि भैया हवा कहां मिलेगा, हवा तो किसी ने कहा हवा वहां मिलेगा, तो उसके पास गए तो पूछे भैया हवा कहां मिलेगा, तो वो कह रहा है कि हवा कहां नहीं है, हवा तो हर जगह है, अगल बगल आगे पीछे नीचे ऊपर हर जगह हवे हवा है। तो उसने कहा ही तो बड़ा मूर्ख बना रहा है, इस ज्ञान से गाड़ी चलेगी? हवा हर जगह हम भी जानते हैं, लेकिन इस ज्ञान से गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी लेकर फिर आगे गया, कहा भैया हवा कहां मिलेगा, तो उसने कहा वो क्या बता रहा था, तो वो तो कह रहा है कि हवा हर जगह आगे पीछे अगल बगल। तो उसने कहा वो कम जानता है हमसे, सुनो हवा तो तुम्हारे अंदर ही है, हवा तुम्हारे अंदर ही है, अगर हवा नहीं तो वीरेंद्र बोलते कैसे? हवा से चल रहे हो, हवा से बोल रहे हो, हवे से बात कर रहे हो और पूछ रहे हो हवा कहां है। उसने कहा ये तो नीख मूर्ख बना रहे हैं सो, इस ज्ञान से गाड़ी चलेगी? अब हे तर सुनी, मीठा मीठा कैले से मुंह मीठ हो जाई, कहो मीठा मीठा बोल जाए तो मुंह मीठ होई, मुंह में मीठा डायरेक्ट परितम ने मीठ होई। पानी पानी रटल जा तो पियास बुझा जाई, पनिया पिए परी कि ना, पानी तो पीना पड़ेगा ना, पानी पीना पड़ेगा। अखिया हरि दर्शन को प्यासी, भगवान भगवान रटने से भगवान मिलेंगे नहीं, लेकिन एक दवा आप जरूर ले लो कि वीरेंद्र आज बोल कर किया जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। किसी ने कहा दुकान पर जाओ, तो गाड़ी लेकर के दुकान पर गया। ध्यान दीजिएगा, साकार मशीन द्वारा, साकार पाइप लगा करके, साकार पहिया में, साकार हंडिल मारा, और निराकार हवा को, तन ध्यान दीजिएगा, साकार मशीन द्वारा, साकार हंडिल मार करके, साकार पाइप द्वारा निराकार हवा को साकार पहिया में डाला गया, अब उसका चक्का टनाटन हो गया, चलने लायक हो गया। आप बताओ, बिना निराकार का साकार का कोई मतलब है? नहीं बोलोगे? और बिना साकार का निराकार का कोई मतलब है? ये दोनों की जरूरत है बाबू, दोनों की जरूरत है। और समझना है तो कथा को ध्यान से समझना। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी कहे कि बोला तुहार विचार कहां बा, का सुनल चाहतड़ू। पार्वती मैया कलीनाथ आज हमारी है इच्छा बा, निर्गुण ब्रह्म के विषय में तो आपने बहुत बढ़िया बात बता रहा, और जो बताए हैं मुझे याद है ये बात, लेकिन आज हमको कथा वही बताइए कि भगवान अयोध्या में कब अले, राम जी के जन्म उत्सव कब मनावल गई, मिथिला में राम जी कब गई, धनुष राम जी कब तुरले,
सीता से शादी करके राम जी कब अल राम के वनवास कब भइल केवट के उद्धार कब भइल सीता के रावण कब लेके गईल राम जी रावण के मार के अयोध्या में लेके लंका से मार के रावण के अयोध्या में राजगद्दी पर कब बैठल बने विराजमान भइल बने इ सारा कथा हमके विधवत बताई पूरे रामायण की कथा के पूछता पार्वती मैया पूछली अब भगवान शंकर जी पूरा कथा बतावे लगले अब देखिए यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है तुलसी बाबा लिखले एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत ना समझ लिया विस्तार बार बार नहीं एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत गलानी माने चिंता आ सुत माने पुत्र दशरथ जी के कोगो रानी रहली बोलना है बोलते जाए आप तीन गो अच्छा बताइए दशरथ जी कबो पुत्र खातिर चिंता कैले रहले ये बैठल बा ये बैठल बा कथवा में तनी हो जान ले और जो लंगड़ बन के पैदा भइल बा हो गया जन्म में कुछ रह आन्हर बन के आयल बा हो गया जन्म में कुछ रह आई पड़ोहो में किरवा जन बनल बा हो कोनो जन्म में कुछ रह आई मेढक मछली बनल बा हो गया जन्म में कुछ रह आई खेतवा में लील गाय बन के चौर तड़ी सो हो कुछ रह गाय भैंस बन के आयल बा हो कुछ रह तो सोच के जान ल कि हमनो के अगला जन्म में कुछ रहली तो फिर मनाई अहे में तनिको लापरवाही भइल तो वही में गईली जा ये लोगवा केउ लीलगाय बनी केउ पिल्ली पीला बनी केउ नेउर बनी केउ सियार बनी केउ गदहा बनी केउ पड़ोहा के कीड़ा बनी अरे कुछ तो बनही के बा तही जग महुआ पाटन में कुछ बने खतर नहीं करावल जाता यहां जितने लोग आए हैं सिर्फ फिर मनुष्य के जीवन में हम सभी लोग आए अच्छा बताइए सबसे कास्टली जीवन कौन बा देखा कथवा तो बटले बे को बात यागल बिछवा में एक जने दान चन रहले उनका माई बाप लड़का के नाम रख ले ना दान चन आ जब से पैदा भइले सुना तक ना हमार बात जब से पैदा भइले ना एक रुपया जगी में दान दिले ना मंदिर पर गईले ना पूजा में गईले ना कथा में गईले कहीं ना जाना पूजा पाठ कुछ ना औरतिया कलच मलछाऊ जीवन धीरे 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 बीता था अरे कबो तो दान पुन करब तार माई बाप नाव धले बना दान चल दान चल नाव धरल बा एक रुपया दान ना करब कहले ना करो मौगी कहले दान नहीं करब ते एगो कार कर न पूर्णवासी के नहा लगा जाके घटवे पर नहाने आव एगो बाछी छूली है बाबू को तनी बोले भाई कुर्सी पर गिरा था जाओ कहाँ ले पहुंचल बाड़ा फाजी लगर हेला तलक ये ना है बाड़ा ए तरह हमरे आगे वहां एक बेर एक जने बैठल लला कथा सुने तब दू बेर उठंगले तब तीसरा बेर कहली है भैया सो रहे हैं कल नहीं सो नहीं रहे ध्यान में कथा सुन रहे हैं ऐसा ध्यान ना लगाओ कि समाधि लग जा कथा में सोइए मत बड़ा मार्मिक शब्द बोलने जा रहे ध्यान देना मौगी कलच की जान तनी पूर्णिमा के नहा लगल बा घटे पर नहा कहले भेजत तो बाड़ू 10 रुपया लागी कि ना लागी मौगी कलच जा तो हर मन करी तो दी हो ना मन करी तो ना दी हो अब गईले जाए लगल तो 20 गो रुपया दे दिया कलच ले ले जा बाछी छूली हो आ 10 रुपया का प्रसादी और शादी लेके चली आई हो कहना रुपया ना दो ना तो रहिए में अब पंडा भेटा यहाँ कुल ले लिया कुल 10 रुपया बिना रुपया के गईले घाटे पर तन हमरा और ताक घाटे पर गईले तो बड़ा भीड़ रहे रजेश पंडा ललका झंडा
खेलावन पंडा करिका झंडा सुभक पंडा पियर का झंडा सब पंडा अपन अपन झंडा टांगले बालू। अच्छा घाटे पर नहाए जल जाला तो पैसा लागे लगना चप्पलवा निकाल जाइ ओहू को रुपया ले लस कहले घाटे पर तो नहीं नहाए चल त नहीं अब दूसरे जगह नहाए अबे कपड़ा निकालब तो पंडा पैसा लिहे को अब ई चलुई कइले बा देखिए कितना खेलाड़ा आदमी बाई एकर माई बाप ना धले बना दान चल अभी का कहले कहले घाटे पर ना है चल तनी मुर्दा घटिए पर नहा ले यहाँ लसिया फुकात रहे मने गिलास फूके जाल जाला तो जो नहाई नहीं जाला तो लम्बे जाके नहाई जाला अब मुर्दा घाटी पर गई ले कपड़ा निकाल दे ले धोती निकाल दे ले अंडरबियर पहिर के जब पानी में ढुकल है आ जब एक डुबकिया मरल भगवान कहले बड़ा बेईमान आदमी बा रे ई तो है 10 गो रुपया खातिर है मुर्दा घाटी पर नहाता भगवान कहले लो तोहर परिचय आज ले ली जब डुबकी मार के निकल तो ले भगवान जजमान के रूप में कहले जय हो जजमान तो कहले दादा ई पंडा कहाँ से आ गो तो देखो तने पंडा ई कहले कि कहाँ से तू आ गई ल भगवान कहले ई हमारे ओरिजिनल घाट हो साल भर में एक को जजमान आवेला साल भर के खर्चा दे देला कहले ई त नीत पकड़ा गई कबो आज ले एको रुपया दिहली नहीं है साल भर का खर्चा हम से लेब भगवान कहले बोलो साल भर का खर्चा लिखवा दे नाम तुहार कहाँ हो कहले हमार नाम दानचंद हो कहले कितना खर्चा बोल तोड़ा साल भर के बोलो कहले हम ना दे कहले 6 महीना के बोलबो कहले ना दे कहले 3 महीना के दान करबो कहले ना दे भगवान कहले आगल बानी तो कुछ दान कह दो कहले हमार नाम दानचंद हो लेकिन 1 रुपया हम दे ले ना बानी भगवान कहले ना दे ले बड़ा तो हमारो हम ये जो घाटे के पंडा हई तो से ले के छोड़ो कहले ना देबो कहले ना दे कहले उधारो बोलवई बो कहले 5 गो रुपया दान खोली टप दे 5 गो रुपया संकल्प गंगा जी के उठा के पानी अब भगवान वही पानी में दानचंद के दान करवा दे हले आ दान करवला के बाद दानचंद घरे गईले भगवान कहले लो तोहरा घरे ले पता लगा ली कितना वजन में बाड़ रात भर बीतल सुबेरे में भगवान पंडा के रूप में गए कहले जय हो जजमान औरतिया निकल कलश करो रो बाबा के कुछ देवे के कही आल बानी का कहले हाँ 5 गो रुपया संकल्प को के आल बानी अत घाटे पर से आगल बने दुआरे पर कहले उकार कर न जाके तनी ना खड़ा को के बहाना कह दे तो आज ले देले नहीं बानी तो ना ही ये दे मौगी कलश कौन बहाना कर कहले जाके कह दिए कि अइना नहा के बीमार पर बड़ा रजाई वाले का सुतल बड़ा कहाँ रहता है मौगियो रहे ना खड़ा ही अभी रोते गोल कलशेर रो बीमार बड़े अइला घाटे पर से नहा के तब से बीमारे पड़ल बड़े तो भगवान कहले कि जब हमार जजमान बीमार बा तब बीमारे छोड़ के चल जाई आइल बानी तब नीक हो जाई है तबे जाई और रतिया कलशेर रो कहता ना नीक हो जाई तबे जाई कहले रे ऐसे महंगा तई पड़ी 2 दिन रही तो खियावे पड़ी कि ना कहले कार कर न एकदम पहलवे जाके तनी पूरा चिलाते रोते छाती पीटत जाई है आ जाते हड़ाक दे कोई दिए रे रो बीमार तो रहबे के ना मर गईल मोगी कलश कहो जियते बड़ा जाके कहीं मर गईल ये सिखाओ तड़ 5 रुपया खातिर देख का कर तले मल छौ मौगी यो रहे ना खड़ाई अब रोते जाती है मार झोटा खोल ले अलग अरे हमार रजाऊ अरे बाप हो बाप छाती चिलाती पीट के गोल तक कल से बाबा अरे बीमार तो रहबे करिए बहनवा के परनवा निकल गल दादा भगवान कहले देखो जब हमार जजमान मर गल बा तो फू किताब के तबे जाई बतिया बुझाता अब इनके जराइये के जाई भोर गांव घूम के हल्ला कर देना चैली लकड़ी ले चल रहा दानचंद मर गई ना पूरा गांव के चैली लकड़ा घोड़ा जुटा दिया गई टिकटी सजा दिया गई आ जब ले के लोग चले लगल तो मौगी कहतिया मरल नहीं बड़ा हो दादा लोग कहले तोर भरम बा मर गए ना परा निकल गए उ तो बुझती बा दोगलवा ना खड़ा कई लेबा घाटे पर गई ना टिकटी लगाए चिता सजावल गई भगवान कहले हमार जजमान हो तनी काने में मंत्र पहले देवे दे लोग गईले भगवान कफन उठा के कहले आया हूँ बैकुंठ से कुछ तू मुंह से बोल
तई बुझले बुझाता भगवान आ गइले का नखड़ा त कहली बुझाता भगवान आ गइले कफनवा उठा के तकलस आ जे देखले त देखता उहे पांडा टप दे टोपी ले हलस भगवान कहले त का फाइनल मैच खेलाई एक जाई महुआ पाटन के लोग ध्यान दे जे जे कगरी काटा था भगवान भेड़ी है एकदम अझुरा जाए भाई कथवा सुन लका कहता बाबा आज कहले कि आया हूं बैकुंठ से कुछ तुम मुझसे बोल तई ए बाबू कफनवे में से बोलता आए हैं बैकुंठ से कुछ तुम मुझसे बोल तई कहले हाथ जोड़ के निवेदन बा सरकार पैसा दियो छोड़ 5 रुपया जो अनुदान के लिए छोड़ दो भगवान कहले ले तो से हारी बा हमार एहू खोल के लोग के गांव पर बाख ना नहीं बा यहाँ के तो कह तारी कई जने बाड़े कोई दी है ए विद्यार्थी भैया मंदिर बनवावा 2000 दे जगी खोरा 5000 दे आ कोई के होने कोई अभिनाज लो कर चंदा है इधर लाई कोई पता कोली है गाँव पर आज ये जे कोई के नहीं देता वो फायदा में नहीं रही बड़ा विटामिन आई साले भर में बड़ा नुकसान हो जाएगा महाराज अगर अपने मुंह से चंदा आप कह दिए हो तो ये निवेदन करेंगे कि चंदा अपना जरूर जमा कर लो बोलो शंकर भगवान की जय शंकर जी कहले कि देवी बोला का कहल चाहतड़ू तई भोलेनाथ कथा सुनावल शुरू कैले एक बार भूपति मनमाही अब भई गलानी मोरे सुत नाही गुरु गृह गयउ तुरत मही पाला गुरु को अक्षर में लिखा गया है दो अक्षर पढ़े लिखे लोग और करेंगे गु माने अंधकार व्याकरण से सिद्ध कर रहे हैं गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश गुरु वही के कहल जाला कि चेला अगर अन्हारे परल बातों के प्रकाश में ले आओ दशरथ जी अपनी गुरु के दरबार में गए ले गुरु गृह गयउ तुरत मही पाला चरण लागी करो विनय विशाला गुड़वा पकड़ के दशरथ जी रोवे लगला के कर गुरु वशिष्ठ के वशिष्ठ जी कहले राजन आप रोवत कहे बली दशरथ जी कहले पहले रोरा ई बताई कि हमारा बेटा लिखल बाकी ना अच्छा ई बताई एमे बहुत लोग ऐसा बात जरा बेटा ना बाड़े आ बेटी बा तो बीरेंद्र बाबा तई कहले बेटा अगर ना बा बेटी बा तो उ को बुझो डबल बेटा बा बेटी के बेटा से कम ना बुझियो बेटी के बेटा से कमजोर ना बुझियो हम त मनाई ले हे दुर्गा माई चार गो पतो ही रहिया तो घर टना टन चटक ना लागी आ दू गो बेटी अगर घर में बा तो घर जोर लागी ऐ सब अपना अपन माई के बेटियन हो लोग हो ना हो ना हो सब बेटी हम मनाई ले एना सुन लो 5 गो बेटी 10 गो बेटी जकरा पैदा हो जाई गारंटी के साथ हम बोलत आनी 11 गो बेटी जकरा पैदा हो जाई 11 गो बेटी बियाह जाई 11 गो बेटी के बियाह हो जाई गारंटी हमार बा और 10 गो बेटा पैदा कर के देख तू 10 गो वही में 4 गो रणुआ रहता कि ना रहता गलती बोलनी हो अपने नजर से मैं देखा हूं महाराज 9 गो 10 गो भाई बाड़ा 4 गो तरह कुमार रह गए के पूछते नहीं थे ए तरी पर सही बोलिएगा महुआ पाटन के लोग ज्यादे गांव पर लड़की कुमार बाड़ी की लड़का स्टैंप ले आवे जो लिख के गोन के दिखा देता नहीं हम अगर 20 गो लड़की कुमार हुई है तो 40 गो लड़का मोबाइल लेकर घूमाता है पता कौन लिया गंगा में हमरा बेटी के बियाह तो महाराज अपना खोज के करे के बाद जहां मन कर तहां कह दे आहे लड़कवन के केहू आई तब ना हरदी पोताई मले छाऊ के ८० प्रतिशत लड़की नौकरी में ज्वाइन कर रही है आई लड़का लोग केहू तमाशा बा हमरा बुझाता ई अब का कहीं जे पैदा कइले के फेर में पड़ल बा अब भगवान है मालिक बाड़ा माई बीमार हो जा अब बाबू बंबई बाड़ा फोन जागी तो माई बीमार बाड़ी तब बाबू कहीं फैक्ट्री में छुट्टी नहीं मिलता 1 महीना के बाद आई
अब बेटी अगर सुन ले कि माई बीमार बा तो मानी की आई ना बोलो तुरंत आई बेटी के दाह कबो बेटा पूरा दी बेटी के दाह पुराई आज माई बोखरिया जा तो बेटी माई के तेल धरी गोड़ चाती देह चाती बेटा को माई का पीठ मार ली हमें बहुत लोग धाधाइल में बेटा हुआ अरे बेटा हुआ तो जोर अब का कहीं होता यही लड़का का कथा बा बड़ी सुंदर भाव बा कब्बो देखी जितनी बहने यहां बैठी हैं कब्बो अगर आई हो तो अपनी मर्दे पर अगर आई हो यहां जितनी जिनके मांग में सिंदूर है ध्यान देना कब्बो धधाई हो तो अपने मर्दे पर मर्दे के चलते जौन मन कर साड़ी पहिर लो मर्दे के चलते जौन मन कर गहना बनवा लो मर्दे के चलते जहां मन कर देवरिया गोरखपुर आजमगढ़ बलिया घूम लो मर्दे के चलते जौन मन करे चाउमीन बर्गर आइसक्रीम काटन काचा कौच बेटा तो जौन करता कछले यार नहीं खे अब एजू का बात नहीं हमारे यहाँ तो खूब होता कछले यार नहीं बहुत लड़का पर कबो धधाई मत और निवेदन करके बहनों से कहेंगे कभी भी भाव रखना तो हस्बैंड का अच्छा बताइए मर्दे इतना इज्जत कबो बेटा दे दी सही बोलिएगा पति इतना इज्जत कबो बेटा देगा बोरा के बोरा नोट कमाई लेकिन हस्बैंड का इज्जत कभी अपना पुत्र नहीं देगा महाराज बोलो शंकर भगवान की दशरथ जी गुरु के दरबार में गई ना कथा तो हमारू बा ना रौरा के कथा में आज जगा दे कि हाँ वीरेंद्र बाबा कुछ बोल के गई बे कौ करोड़ रुपया खर्चा कर भाई शब्दवा मिली नहीं जोन बोलता नहीं दौड़ के गई ना जाके गोड़वा पकड़ के वशिष्ठ जी के दशरथ जी रोवे लगले आरे गुरु हे गोसैया रहुआ अरहुआ जनते बानी ए रहुआ जनते बानी जानी घर ही में बाड़ी हमरा तीन तीन गोरानी सल्तानी रहुआ जनते बानी ए बाबू गुरु वशिष्ठ के पैर पकड़ के दशरथ जी रोवे लगले दशरथ जी कले सरकार सारा समाज हमके निसल्तानी कह के संबोधित करता अच्छा बताई दशरथ जी को गो बेटा मांगे गए तन बोलिएगा को गो एक चौपाई को पढ़िएगा एक बार भूपति मनमाही अब भई गलानी मोरे सुत सुत माने एक अब गुरु जी को गो देता ना? नहीं बोलो हड़ाक दे चार गो अंगुरी उठावल है अरे जेकरा जीवन में हे जगह से ना मिली कहीं भेटा एक बा ये जगह यह मिले वाला और जेकरा घरे औलाद नहीं खे औलाद हो है हमार कथा रूरा प्रेम से सुनब के वीरेंद्र का बोले जाता है जेकरी घर में पुरान से पुरान बीमारी बा ई बीमारी दूर हो जाई जेकरी घरे औलाद ना भइल बड़े ओकरा घरे बेटा हुई है लेकिन अगर भगवान की कृपा उजू से कटल ना होई खाली हम पूजा बतावे जाता नहीं जो रामायण में लिखल बा एगो मांगे गइल रहे टप दे चार गो अंगुरी उठवले धरहु धीर होई हनि सुत चारी लेकिन चार गो अपने बले नहीं कहले रामायण में लिखल बा देख अब कितना बढ़िया भाव बा धरहु धीर होई हनि सुतारी धरहु धीर होई हनि सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भौ आरी राम छिया नाम छिया नाम जय जय राम 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 छिया राम
पैहनी सुतचारी तनी हे पड़कोर होइहनी सुतचारी आ त्रिभुवन विदित भगत भव हरी। रउरा चार गो पुत्र हुई हैं आ चारों तेजस्वी पुत्र जौनी पुत्र के चर्चा संसार गाई महाराज। दशरथ जी कहले पुत्र कैसे हुई हैं कैसे हुई हैं त कहले पुत्र हुई हैं कैसे तई है वीरेंद्र बाबा रामायण की कथा बतावत रहे तई से। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करा बुला आवा पुत्र काम शुभ यज्ञ करा आवा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा आ पुत्र काम शुभ यज्ञ। तनी एक बात बताए जितना बड़हन यज्ञ होता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो रौरा गांव में अकेले केहू चाहे कि एगो बेटा हमारा ना बाए तो ते जग करी तो कल ही है हो जाई नहीं हुई लेकिन एक जग से कई हजार बेटा पैदा हो सकेले। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भक्ति सहित मुनि आहुत दीन्हे अब प्रगटे अग्नि चरुकर तब लीन्हे। यज्ञशाला में हवन हो रहा है ध्यान दीजिएगा एक बात थोड़ा गौर से यगवा के सुता था का रतिया भर का होता असल में यू सबका गलती ना तनि हमारा और ताक ए जने साधु बाबा लिंगोटी पहर के उघारे सुतल रहले आ तबले एगो राजा घोड़ा पर अले त राजा जब घोड़वा पर अले तो देखले साधु बाबा नंगे वो इतर सुतल जाड़ा के महीना त राजा का कहले 5000 के रेशमी चद्दर ओढ़ले रहले राजा घोड़ा पर से उतरले आ साधु बाबा के चद्दर ओढ़ा के आ चद्दर ओढ़ा के जाए लगले त साधु बाबा कहले जियत रह ए राजा यही तरह करत रह। साधु बाबा का कहले जियत रह यही तरह करत रह अभी तक कह के अपन राजा तो चल गई ले तले चार गो चोर अल से तो चारों चोरवा देखल तो कहले रे सधुया ऐसन चदर ओढ़ बा बाप रे बाप साधु साधु ऐसन ओढ़ी साधुओ निमन पहरे ओढ़े तो लोग का खतर है बा साधुओ निमन ओढ़े पहरे ना तो लोग कही सधुया ऐसन पहरता चोरवा अल से कहले बाप रे बाप 5000 के चदर के ओढ़ा के गई बा टप दे चोरवा चदर लेके भागे लगल से ले के भागे लगल तो साधु बाबा उहे बतिया वह लोग कहले राजा जब चदरिया दिहल तब वो कहले जियत रह ए राजा यही तरह करत रह आ चोरवा जब चोरावले सो तब वो कहले जियत रह ए बाबू यही तरह करत रह लोग शब्द वा एक गो बाकी दू गो एक शब्द है के आशीर्वाद हो गए के श्राप हो गए नहीं बोलोगे चोरवन के श्राप हो गए अरे जब ले जी तब ले उहे करियो दात ए जु जे आइल बना कोनो टाही पर होई एक आद गो कि केकर चप्पल मिल जा केकर कौन सामान मिल जा धीरे से लेके हे पड़े नहर धौरी नहीं बुझाता बढ़िया काम सीखे चाहिए महाराज हैं कथा में जे सुतेला चमगादड़ के जन्म होला प्रवचन में जो सुते ला ना चमगादड़ के जन्म होला आ सुतो मत भगवान के जन्मोत्सव देखा कितना बढ़िया आज सोहर मंगल बधाई गड़गड़ा दे हमनी का पूरा पंडाल आज ना चल जाए। बोलो शंकर भगवान की जेकरी घर में औलाद ना बैला तन ध्यान से सुनो ओकरे माथे पर कलसा उठवा दे कलसा तब उठी गई बा नियम से परिक्रमा रोज कराई हमारा आचार्य जी से संकल्प करा के अब परिक्रमा कराई आचार्य जी बताई फूले से परिक्रमा अकी तुलसी के पत्ता से अकी फल से आ लास्ट दिने अपनी हाथ से हवन कर 33 करोड़ देवता के आवाहन भइल बा। महाराज हम भगवान तो नहीं है लेकिन अगर 9 दिन का कार्यक्रम रहित ना
आ पहला दिन कथा हमार रही तो ये पूरा गांव के बता दे रहती कि हई है कैला से हई होई। अच्छा बताई खेते में जो गेहूं बोल रहा मैं मटर मटर तुराई लो कहो आमे के पेड़ लागल बा तो में से नेबुआ लटकी बोल आलू जो रोपल रहा में से बंडा कोड़ाई खेतिया जौन कैल जाई तौन मिली आ वीरेंद्र बाबा जौन खेती कैले बना तौन मिले था कि ना ना मिले था इससे बड़ा खेती कौन है महाराज। अरे कुछ नहीं तो कई करोड़ लोगों से राम राम कहवाते हैं मेरा यहां भी बन रहा है वहां भी बन रहा है भगवान के दरबार में कोई जमराज देखिए दो दूत आते हैं धर्मराज जमराज तो धर्मराज ओके ले जाई हैं जे बढ़िया कर्म करके मरता और जमराज ओके ले जाई हैं जे सासू के घर आवाता ससुर के घर आवाता माई के मारता बापे के मारता कुलकुल करता ओके तो जमराजवा लाटे से मारत खींचत पीटत ले जाए। हम एक दिन हाथ उठौली अपने सासू का गोड़ के लागेला ते तत गांव में एगो मेहरारू उठौल से बाबा हम लागी कहली अपनी मर्दे के गोड़ के लागल त एक के जने उहो उठौले रहली हम कहली अपने मर्दे के केहू मरले बात जने उठा देली टॉप दे हयो गांव नगदे बनावल गांव बा मगवा पाटन हां त खूब पाटन भाई नगदे गांव भाई हो का जने कैसे लोगवा रहेला घरवा हो दादा इतना भी आईपी गांव बा बताई मर्दे के गोड़ जोन मेहरारू ना लागती है पूजा पाठ से कोनो मतलब है ना कथा से मतलब है ना कौन तर तक तो लगत का होई वो दादा बोलो शंकर भगवान की जय। अबहिन जवानी बा चानी कटाओ एक दिन तक खतरा में शरीर फिल्मी गाना बजावे को तो काटे ला जवानी में जानी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की काटे ला जवानी में जानी बबुआ उतर जाई पानी भैला जाए के दूर बटे पूछू ना कैला अरे बाबू होई भैया होई तो है परेशानी बबुआ उतर जाई महुआ पाटन में जितना लोग पुरनिया भइल बा एले सब पूछा जवानी में कितना ओड़े रहल अब इतनी पर बुझाता जे हे दुर्गा माई ये देही के कवन गति होई हिल जाए के परी वीरेंद्र बाबा इतना गरजत न कहियो हमहु लाठी पकड़ तैया बुझाई कि अपना जीवन में का कैले बनी हम बुरा कर्म करने से महाराज बुरा ही प्रणाम होता है बढ़िया काम करोगे तो बढ़िया होगा और बुरा के लिए तो कोई जवाबे नहीं है। अब कथा में देखिए जुभावाइल श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भक्ति सहित मुनि आहुत दीन्हे अब प्रगटे अग्नि चरुकर तबलीन्हे यज्ञशाले में अग्नि हम लोग माचिस नहीं बारते हैं वेद मंत्र द्वारा लकड़ी को घर्षण किया जाता है ऐसा भाई लगना भाई ले जो
बाबा लोग के छक्का छूट गए होई, नहीं बुझाता। वेद मंत्र द्वारा हम लोग अग्नि प्राकट करते हैं और उस अग्नि में आहुति दिया जाता है। अग्नि देव महाराज हब के प्रसाद लेके इले, आज यह प्रसाद राजा दशरथ जी के दिया था। जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, अब पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा, यह बिबाट देव निपजाई, अजथा योग्य जे ही भाग्य बनाई। प्रसाद दशरथ जी लेके गई ले, लेके गई ले, तीनू रानी के बुलाओ तड़े। हो तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। भागे कर आधे की बोल दी यज्ञ भगवान की। तनि हेमे हमार बहन लोग बताई, कौशल्या के कौन लड़का हवा, अंगुरी उठावा। कौशल्या के कौन लड़का, एगो ठीक बा। के कई के कौन लड़का, सजी गलत होता हुआ है ना, तन उठाए एक। के कई के पुत्र हवा, पुत्र के नाम भरत और कौशल्या के पुत्र के नाम राम। दूगो पुत्र केकरा हवा, सुमित्रा जी का। प्रसाद का कमाल है, अर्ध भाग्य कौशल्या दीना, आधा प्रसादी कौशल्या जी के दिया गए। उभय भाग कर आधे दीना, आधा टुकड़ा जोन बचल ओमें दो टुकड़ा करके एक टुकड़ा केकई के दिया गए। एक टुकड़ा दशरथ जी अपनी हाथ पर लेके सोचा तने अपने आपे ही दो टुकड़ा हो गए। सुमित्रा जी के कौन टुकड़ा दिया, दो टुकड़ा। सुमित्रा कल ये दीदी तो लोग तो एक एक भाग पौले बढ़ू, तोरा एक पुत्र हुई है, अगर हमरा दू गो हुई है तो एक बेटा के तोहरी बेटा के सहायता में लगा दे, आ एक बेटा के राम के सहायता में के भेजले बड़ी लक्ष्मण के, आ भरत के सहायता में शत्रुघ्न महाराज। पूर्वांचल चिल्ड्रेन एकेडमी कहां है, यह महुआ पाटन 2001। प्रधानाचार्य जी की तरफ से 2001 रुपया। माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी महुआ पाटन है, आपसे भी 1001 रुपया। ताली बजाएगा बरिया रे, थोड़ा सब लोग प्रसाद अब तीनों यूरानी पावे जाता है, ताली बजा के भाव चुकाए कि आजू भला मैं बारी बारी सगुना। बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना। आज भला मैं बारी बारी सगुना, गंगवटिया माटी, गाई के गोबर गंगवटिया माटी, अरे रची रची चौका पूरा है, ए रची रची चौका पूरा है, मैं बारी बारी सगुना। आज मैं बारी बारी सगुना, आज भला
बताइएगा जौने जगह पर रउरा बैठल बनी महुआ पाटन गांव कहाई आ कि धाम नहीं बोलो। तुलसी बाबा लिखे हैं कि जहां संत तहां तीरथ बासु आ जहां राम तहां अवध। महाराज ये महुआ पाटन धाम है, ये गांव नहीं बा कौ दिन खाती, जितने दिन पूर्णावती नहीं होता है महाराज। अब देखिए जो कथा बदला था, तीनू रानी प्रसाद पौली तुलसी बाबा लिख ली कि जा दिनते प्रभु गर्भ है आए और तीनों लोक सुख संपत छाए, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष रहे ए न ज्यादा गर्मी रहे न ज्यादा ठंडा रहे, शीतल मंद हवा रहे। अब भगवान के अवतार के समय में सारा देवता लोग पहुंचल बा लोग। अरे में तो लिखल बा कि एक महीना के एगो दिन बनल बा, सूर्य भगवान डूबबे ना कैले। राम जी के जन्म में एक गो देवता के कष्ट भइल बा, राम जी के जन्म में एक देवता के कष्ट भइल, कौने देवता के? रतिया के उगेला ना बोलो, रतिया के सूर्य भगवान उगेले। अरे बुढ़िया के भाव काल देखो, हम का बतियाओ तनी का ही बतियाओ तनी। चंद्रमा भगवान से शिकायत कैले बड़े, कहले कि भगवान रौरा ऐसा समय में अवतार लेली कि हम दर्शनों ना कैली। भगवान कहले कि एक समय तो रहल तू दर्शन ना पौल, एक बेर तोहरे टाइम में आई वो दर्शन ना पाई। अरे भादो के रतिया अन्हरिया अपहरुआ सब सूते ले, ललना कृष्ण लाला लिहले अवतार, महल उठले सोहार। कन्हैया जी के जन्म राती में भल की दीने में नहीं के बोली, सूर्य भगवान नहीं पहुंचल बड़ा टाइम हुआ बनल ना बा। अब देखिए जो कौशल्या के महल में, अब देखिए जो भगवान के अवतार होके जाता। शुक्ल पक्ष रहे, नवमी तिथि रहे, न ज्यादे धूप रहे न ज्यादे ठंडी रहे, आ माता कौशल्या के महल में एक बैग भगवान चतुर्भुजी रूप में अवतार। तार भी जाएगा बढ़िया रे। आ जब चार गो हाथ लेके अला सौसे सॉरी, कौशल्या जब देखली तो रोवे लगली, कली हे भगवान रौरा के का मंगले रही, हम रौरा के बेटा मान के मंगले रही कि बाप। पहले रौरा ही बताई बेटा बन गए बाप, भगवान जब अल तो बाप बन के कि बेटा? बाप बन के अल, चार गो हाथ तक कर रहा। भगवान कहले का करी, कौशल्या कली कीजे शिशु लीला, बालक बनिए ना गोद में आइए। तब छोटहन बालक बन गए कोरा में अल, आ जब कोरा में अल तो भगवान होश होश बतियावत। कौशल्या कली हो बाउर बा, लड़का पैदा होले ना तो रोवे ले पहले। भगवान कहले रोहू के परी, कौशल्या कली पहले रोइए ना, तो सुनी बचन सुदाना रोदन खाना। आ जब भगवान रोवे लगल तो दासी दौड़ल बा, कलश महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहले चुप। एक दिन कहले निसंतानी के मुंह देखल पाप बधाई बोलता रे। दासी कहली महाराज कौशल्या महारानी के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। दूसरी दासी दौड़ल बा जाके कलश महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहले ते कौन बधाई ले ले, कलश महारानी महारानी कैकेयी के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। तीसरी दासी दौड़ल बा कलश महाराज बधाई हो। कहले अब कौन बधाई? दासी कली महाराज सुमित्रा महारानी के महल में दो पुत्रों का जन्म हुआ है। हो गई ले। तुलसी बाबा लिखले कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी है ललना माना हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी है ललना सुभा होई सुनत सुभा।
ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनी है राम प्रभु सिंह पूर्व वार्ड सदस्य हैं आप यहीं से हैं रुद्रपुर से हैं महुआ पाटन रुद्रपुर कितना बा 100 रुपया दीपक रामधार सिंह 100 रुपया भगवान के जन्मोत्सव में देखी कितना बढ़िया भाव बा परमानंद पूरी मन राजा कहां बुलाऊ बजावहु बाजा दशरथ जी आदेश दे कि जितना वरिया पवरिया बाड़े सजिन के बुला के द्वार पर मुहमांगर विदाई दिहल जाओ। अच्छा बताई भगवान के जन्मोत्सव मनावल जाएगी ना तो तुम दू चार जन नाचे वाला खड़ा हो जा कि नहीं तुम दू चार जन खड़ा हो जा अरे बारे ललना हो अरे दुलारे ललना आयांगन में खेल बार ललना देहात के प्रोग्राम कैले में हमरा इतना मेहनत बुझाला आज यह प्रोग्राम अगर गोरखपुर चाहे देवरिया चाहे फाजिल नगर में रही हमरा देखिए जो पारस जी बाड़े जैया भगवान के जन्मोत्सव है तैया बाप हो बाप 500 लोग एकदम पंडलवा गड़गड़ा गए डॉक्टर सत्यनारायण सिंह जी 100 रुपया तुम दू चार जन नाचे वाला खड़ा होइबा लोग क्या नाम है गेना सिंह 1111 रुपया तार ज्यादा बढ़िया रहेगा डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह पुत्री गेना सिंह 501 रुपया बजा ताल बढ़िया रहेगा 200 रुपया इन की तरफ से बा पैसा भी ना दादा तन दू चार जन नाचे वाला खड़ा होगा लोग गेना सिंह दूसर का मालिक है हमारे अच्छा भैया का ए दू चार जन खड़ा हो बा लोग का चाह तड़ा जा अच्छा लड़का के परछावन होला बैंड बाजा बाजे ला ओमे नाचो लुकना ओमे तो पूरा गाँव में कूदत होई ना दू चार जन खड़ा भैली अंगना में खेल भर ललना तरकुले के लेखा खड़ा ना हो खा लोग नाचे वाला खड़ा हो कर लोग पूरा पंडल में खड़ा हो जाए नाचे केहू ना।